हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और डेली 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो में मैं आपको 10 महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है और वो प्रश्न है, नोहकली आई झरना किस प्रदेश में है? और इसका चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा मेघालय। तो आंसर नंबर डी मेघालय सही हो जाएगा। और बता दें आपको कि नोहकली आई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट और अगर मीटर में बात करें तो 340 मीटर ऊंचा है और इसकी चौड़ाई 75 फीट है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? ऑप्शन चार हैं। पहला है टैगा, दूसरा टुंड्रा, तीसरा चपरल, चौथा सवाना। तो आंसर नंबर टुंड्रा बी सही हो जाएगा। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में वनस्पति उपलब्ध है। तीसरा प्रश्न, और सामने आपके तीसरा प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन चार है, 10%, 20%, 60% और 40%। तो आंसर नंबर सी 60% सही हो जाएगा। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 2,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चौथा प्रश्न, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन चार हैं, अपक्षरण, दूसरा है गलिंग, तीसरा है क्रिप, चौथा है पल्किंग। तो आंसर नंबर ए अपक्षरण सही हो जाएगा। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों को से बर्फ कम होने के अपक्षरण कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन चार हैं, मोरेन, ड्रमलिंस, केटल और स्केररी। तो आंसर नंबर डी स्केररी सही हो जाएगा। स्केररी छोटे से पर्थिले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है। छठवां प्रश्न, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन चार है, खंभात की खाड़ी, आंदमान व निकोबार द्वीप समूह, पल्क जल डमरू मध्य और सुंदरवन। तो आंसर नंबर डी सुंदरवन सही हो जाएगा। तो डैम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 1830 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। सातवां प्रश्न, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन चार दिए हुए हैं। पहला है उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, दूसरा है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, तीसरा है थार मरुस्थल में तूफान, चौथा है हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो आंसर नंबर बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा सही हो जाएगा। और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। आठवां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं, राजस्थान, दूसरा दिया हुआ है गुजरात, तीसरा दिया हुआ है तमिलनाडु और चौथा दिया हुआ है उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात सही हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष 160,00,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के चार प्रमुख नगर उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बलासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। नौवां प्रश्न, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन चार दिए हुए हैं, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी और मलप्रभा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी सही हो जाएगा। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्ण नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। दसवां प्रश्न है,
भारचुक्की प्रपात भारत में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं, कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा तमिलनाडु। तो आंसर नंबर ए कर्नाटक सही हो जाएगा। भारचुक्की प्रपात बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जल प्रपात शिवनाश समुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड।